गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपका प्रोनाउन चल रहा है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पर्सनल प्रोनाउन के फोर्थ टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो इन्हीं से कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले इस क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर सेंड करें। तो देखिए, यहाँ लेट अपने आप में एक क्वालिटिव वर्ब है, और वर्ब के बाद में आप जानते हैं यह जो लिखा है यह ऑब्जेक्टिव केस है, अब कोई आपको समस्या नहीं होगी। एंड मैंने बताया आपको एक कंजंक्शन होता है, क्या होता है कंजंक्शन, और एंड नोट अपने आप में प्रीपोजिशन होता है। तो मैंने बताया एंड से पहले अगर सब्जेक्टिव केस होगा तो एंड के बाद भी सब्जेक्टिव केस होगा, एंड से पहले ऑब्जेक्टिव केस है तो बाद में ही ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो आप यहाँ आई ना लिखकर लिखेंगे मी, आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, He more than I like you। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इधर घुमा कर लेके आता हूं। तो आपके सामने सेंटेंस लिखा है, यहां ध्यान से देखें। पवन इज स्ट्रॉन्गर देन रवि। इस सेंटेंस को सही से एक बार पढ़ें कि पवन इज स्ट्रॉन्गर देन रवि। अब मुझे आप बताइए कि किसी व्यक्ति की चेहरे की तुलना किसी के जूते से की जा सकती है, किसी व्यक्ति के चेहरे की तुलना किसी के जूते से की जा सकती है। आपका आंसर बिल्कुल सही है, नहीं की जा सकती है। मैंने कहा किसी की हाइट की तुलना किसी की सर से की जा सकती है, किसी के हाइट की तुलना किसी की शर्ट से की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। तो आइए सेंटेंस को समझते हैं। तो आपने यहां देखा कि पवन और जो तुलना की गई है आपने, वो की गई है पवन और रवि में, पवन और रवि में तुलना की गई है, और तुलना करने वाला यह जो शब्द लिखा है वह अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। आपने पवन और रवि में तुलना की है, और जो कंपैरेटिव करा रहा है, कंपैरिजन करा रहा है, वह आपका स्ट्रॉन्गर है जो कि कंपैरेटिव डिग्री है, इसे तुलना करने में मदद कर रहा है। यह लिखा हुआ आपके सामने देन, क्या लिखा है देन। तो यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट तैयार होता है कि यहाँ जो आपका ये लिखा हुआ है पवन, ये अपने आप में कुछ और न होकर इस जो वर्ब लिखी हुई है इसका सब्जेक्टिव केस है। तो यह सब्जेक्टिव केस है, तो आपने तुलना जो की है यहाँ भी सब्जेक्टिव केस से ही की है। किससे की है? जब यह इस वर्ब का सब्जेक्ट है तो यहाँ भी आपका सब्जेक्ट से ही तुलना की जाएगी। तो आपका कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसके बाद कोई भी तुलना करने वाला कंपैरेटिव, कोई भी तुलना करने वाला कंपैरेटिव और उसके बाद सब्जेक्ट, तो आपने दो दो सब्जेक्ट लिख ही दिए हैं, तो क्यों ना इन्हें नामकरण कर दें। जो आपका पहला जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसे फर्स्ट सब्जेक्ट कह सकते हैं, और जो दूसरा है इसे आप सेकंड सब्जेक्ट कह सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यह जो कंपैरेटिव करा रहा है इसमें आपके हो सकते हैं मोर देन, हो सकते हैं लेस देन, हो सकता है एज मच एज, हो सकता है एज वेल एज, एज वेल एज। ऐसे अगर आपको कोई भी कंपैरेटिव देखने को मिले, ऐसे कंपैरेटिव आपको देखने को मिले, तो जो तुलना होगी वह हमेशा लाइक वाइज होगी। अगर यहाँ सब्जेक्ट है तो वहां भी सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट से तुलना करते। अब मुझे इस सेंटेंस में आप देखकर बताएं कि पवन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कि रवि। तो आपने कहा पवन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, कौन स्ट्रॉन्गर ज्यादा है? आपने कहा पवन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो पवन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, अगर हम यहाँ लिखें कि अगर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी तो वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी? तो आप कहेंगे कि जो पहला सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है उसी के अकॉर्डिंग। तो जो हेल्पिंग वर्ब के नाम पर या मेन वर्ब के नाम पर आप लिखेंगे तो वह लगाएंगे सब्जेक्ट नंबर पहले के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो आप अरेंजमेंट तो बिल्कुल सही जा रही है। तो आइए क्यों ना इन्हें देखें। ही मोर देन आई लाइक यू। तो यहां देखें, यहां एक सब्जेक्ट है जिसका, और जब सब्जेक्ट से तुलना कर रहे हैं तो यह भी आपका बिल्कुल सब्जेक्टिव केस है। अब कंपैरेटिव कौन है तुलना करने वाले? मोर देन।
तो यहां तक सब्जेक्टिव केस तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वर्ब लाइक के अकॉर्डिंग लाइक लगाएंगे तो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका ही, तो यहाँ लाइक ना होकर आप लिखेंगे लाइक्स। क्लियर हुआ होगा। नीचे वाले सेंटेंस का फटाफट से आंसर सेंड कीजिए। तो देखिए यहां आपका मोर देन एक कंपैरेटिव है और इस वर्ब का आई अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से ही की जानी चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिव अगर लिखे हुए तो उससे पहले भी सब्जेक्ट होना चाहिए, बाद में भी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मोर देन से पहले सब्जेक्ट लिखा है, कैसे पता चला, इस आर का यह सब्जेक्ट है। तो आप यहाँ हर नहीं लिखेंगे, क्योंकि आई की तुलना आप किससे करेंगे, सी से, यानी कि यह आपका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। जब आप वर्ब का यहाँ चुनाव करेंगे तो आई के अकॉर्डिंग आर ना लगाकर आप लगाएंगे है। कॉन्सेप्ट काफी गहराई से आपसे पूछा जाता है, आसानी से आप बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन को आप आसानी से बनाएं। सी एज वेल एच देन वन गिवन टू पेंस। अगर आप फ्रेंड्स देखे हैं यहाँ एज वेल एच अपने आप में कंपेरेटिव करने वाला वर्ड है, तो आप यहाँ देखें सी इस वर्ग की अपने आप में एक सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसके कंपेरिजन करा रहा है, तो यहाँ भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, दे। जब वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाई जाएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सी। तो यहाँ से आप वर्ब को हटाइए, वधू को बुलाइए, तो यहाँ आप वर्ब ना लिखकर लिखेंगे वॉच, क्या लिखेंगे, वॉच। अगला सेंटेंस है कल के ही है, तो मैंने कहा एंड नॉट अपने आप में प्रीपोजिशन होता है, तो प्रीपोजिशन के बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ आई ना लिखकर आपने लिखा मी। जब इसे एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो इसने हैव ने ही के अकॉर्डिंग चुनाव किया हैज का, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आप आसानी से अब तैयार कर सकते हैं। सी इज टॉलर देन आई। यहाँ देखें तो देन अपने आप में एक कंपैरिजन करने वाला कंजंक्शन है, क्या है, कंपैरिजन करने वाला कंजंक्शन। तो यहाँ आपका इस वर्ब का यह तो लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस, कैसा केस है, सब्जेक्टिव केस, तो आपको यहाँ भी क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस। तो आप यहाँ हिमना लिखकर, क्या ना लिखकर, हिमना लिखकर इसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो आप लिख देंगे यहाँ ही, क्या लिख देंगे, ही। अगला सेंटेंस देखिए, रिया इज एज रिच एज मी, रिया इज एज रिच एज मी। अगर फ्रेंड्स पहले इस सेंटेंस को यहीं तक पढ़कर देखें, तो रिया इज एज रिच, रिया की बात करें, इस वर्ब का अपने आप में सब्जेक्टिव केस हुआ, यह अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब हुई, ये तो केवल वर्ब ही लिख लेते हैं। रिच की बात करें, रिया कैसी है, धनी है, तो विशेषता बताने वाला शब्द है आपका एडजेक्टिव होता है। अगर इसके आगे जो लिखा हुआ शब्द है इसके इसे क्वालिफाई या मॉडिफाई कर रहा है, तो ये अपने आप में कुछ और ना होगा, एडवर्ब होगा। तो हमें पता चला रिया सब्जेक्ट है, क्योंकि ये एज अपने आप में एक वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। रिच एक विशेषता बता रही है रिया की, तो यह अपने आप में हुआ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मॉडिफाई या क्वालिफाई जो एज कर रहा है, ये अपने आप में एडवर्ब हुआ। तो बताइए ये भी एडवर्ब है क्या, एडवर्ब है क्या ये, नहीं सर, यह एडवर्ब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो सेंटेंसेज को जोड़ता है जो कुछ भी, दो सेंटेंसेज को जो कुछ भी जोड़ता है वह अपने आप में एक कंजंक्शन होता है। क्या होता है, कंजंक्शन, क्योंकि सेंटेंस हमेशा कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं। तो यहाँ ये अपने आप में एज कंजंक्शन है, जो कंजंक्शन अपने आप में एज जो होता है, एज जो कंजंक्शन होता है, यह आपका इक्वल है या नहीं, यह बताता है, कंपेरिजन तो करता है, लेकिन यह समानता या असमानता बताता है। जैसे देखिए, रिया इज एज रिच, रिया उतनी धनी है एज जितना कि, अब मी तो आप नहीं लिखेंगे क्योंकि यह आपने घोषित कर दिया है कंजंक्शन है, तो कंपेरिजन कर रहा है, कंपेरिजन लाइकवाइज होगा, लाइकवाइज करेंगे तो आप प्रिया के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ आप लिखेंगे आई। अब चाहे तो आप कोष्टक में वहां आपको एम भी देखने को मिल सकता है, यह अपने आप में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, जैसे जोड़ने का काम किया एच ने। कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखें, रिया अपने आप में सब्जेक्ट है क्योंकि एच अपने आप में वर्ब है, और यह इसके बारे में विशेषता बता रहा है रिच, तो यह अपने आप में और कुछ ना होकर हुआ एडजेक्टिव। जब यह एडजेक्टिव है तो इससे मॉडिफाई जो कर रहा है एच, अपने आप में क्या हुआ, एडवर्ब। अब यह आपका कंप्लीट सेंटेंस यहाँ तक हो गया, क्योंकि सेंटेंस क्या होता है, जो अपने आप में कंप्लीटिंग मीनिंग रखता हो और करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हो। क्या कहा मैंने, जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग हो और करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हो। तो इसमें आपने देखा कि रिया इज एज रिच, रिया उतनी धनी है, पूरा अर्थ है,
तो यह जो एच लिखा हुआ है देखने में भले सक चेहरे समान है लेकिन दोनों पार्ट ऑफ स्पीच में अलग अलग तरह है। तो ये एच इस सेंटेंस को अगले सेंटेंस से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए एज अपने आप में एडवर्ब नहीं बल्कि एक कंजंक्शन है, क्योंकि सेंटेंस या क्लॉजेज को जो जोड़ता है वह अपने आप में एक कंजंक्शन होता है, तो यह एज कंजंक्शन है। अब आप तुलना करेंगे तो दिया अपने आप में सब्जेक्ट है, तो आई भी अपने आप में सब्जेक्ट के केस होना चाहिए, आप चाहे तो एम भी लिख सकते हैं। नीचे वाले क्वेश्चन में बताएं फ्रेंड्स क्या गलती है, नीचे में देखिए ही लाइक्स हर मोर देन मी। अब फ्रेंड्स ये तो दो पर्सन्स वाले केस थे, यहाँ तीन तीन दे दिए हैं, एक देखे ही, एक देखा आपने हर, एक देखा मी। अब इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर करें, लाइक्स अपने आप में कुछ और ना होकर वर्ब है, तो इससे पहले यह लिखा है सब्जेक्टिव केस, यह अपने आप में वर्ब है तो इसके बाद यह लिखा है ऑब्जेक्टिव केस। अगर आप देखें तो सर अभी आपने कहा कि देन के बाद यहाँ आई होना चाहिए, सही है? नहीं फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि दो पर्सन अगर देन या एज से तुलना करेंगे तो वह सब्जेक्टिव केस ही ज्यादा रहता है, लेकिन तीन तीन पर्सन अगर आपको दे दिए जाए, तीन तीन पर्सन अगर आपको दे दिए जाए तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है किस चीज का। एक व्यक्ति है आपका ही जो लाइक्स करता है, किसे करता है, एक तो करता है वह हर को, किसे लाइक्स करता है हर को, और एक किसे करता है वो मी को, लेकिन ज्यादा किसे करता है तो आपने कहा मोर, इससे ज्यादा भी करता है, किसकी अपेक्षा में, मेरी अपेक्षा में। एक ही पर्सन है जो हर को भी पसंद करता है और मी को भी पसंद करता है, हर अपने आप में लाइक्स का ऑब्जेक्ट है, तो फ्रेंड्स यहाँ एक ही व्यक्ति है वो दोनों को पसंद कर रहा है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ही एक सब्जेक्ट है जो लाइक कर रहा है हर को और किसे कर रहा है, मुझे, लेकिन मेरी अपेक्षा में अधिक किसे कर रहा है उसे, तो कह सकते हैं यहाँ लेस पसंद किया गया है और यहाँ मोर पसंद किया गया है। क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट कि एक ही व्यक्ति है जो हर को भी पसंद कर रहा है और मुझे भी, लेकिन मेरी अपेक्षा में अधिक किसे कर रहा है हर को, तो यहाँ जब हर ऑब्जेक्टिव केस है तो वहां देन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए, क्योंकि यह अपने आप में कंजंक्शन है। एक क्वेश्चन और इसी लेवल का लेंगे जिससे कि आपको और कोई डाउट ना रहे, यही सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब मैंने इसे मी की जगह पर लिखा आई, तो बताइए इसमें क्या गलती है, बताइए फटाफट इसमें क्या गलती है। आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने कहा गलती नहीं है, अब इसमें गलती पूछ रहे हैं, क्या मैं कर दूं, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो देखिए यहाँ ही अपने आप में सब्जेक्टिव केस है अभी बताया, तो यह इससे पसंद कर रहा है, यह अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव केस है, और आई अपने आप में एक सब्जेक्टिव केस है जो पसंद कर रहा है हर को, लेकिन अधिक कौन पसंद कर रहा है, यहाँ अगर देखें तो एक तो ही लाइक्स करता है किसे, हर को, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव केस हुआ, एक आई लाइक करता है किसे, हर को, तो यह भी इसका ऑब्जेक्टिव केस हुआ, यानी कि दो सब्जेक्ट अब एक ही व्यक्ति को पसंद कर रहे हैं, दो व्यक्ति अब एक ही को पसंद कर रहे हैं, लेकिन आपको पता लगाना है कि पसंद अधिक कौन कर रहा है, तो वह मेरी अपेक्षा उसे अधिक पसंद करता है, यानी कि यह जो व्यक्ति है वह मेरी अपेक्षा इसे अधिक पसंद कर रहा है, जबकि हम इसे लेस पसंद कर रहे हैं। तो आप इस केस में बहुत सावधानी पूर्वक अपने कॉन्सेप्ट को जमाएं, अगर ऐसे सेंटेंस में तीन पर्सन दिए हों, आपका सब्जेक्टिव केस होता, आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट में तुलना की गई है, किसी ऑब्जेक्ट को पसंद या ना पसंद करने में, या लाइक या ना लाइक करने में, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिए हों तो फिर आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट जो है दो में से किसी एक को पसंद कर रहा है अधिक, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें अपनी तरफ से कोई एरर ना बनाए, क्योंकि ऐसे पेपर में दिया हो सब्जेक्ट से सब्जेक्ट तो आप समझ लीजिए ना सब्जेक्ट वाइज तुलना की गई है, ऑब्जेक्ट लिखा हो तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना तुलना की गई है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से एक बार अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।